सियासी संकट के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि अदालत में अगर एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना का हिस्सा नहीं माना जाता तो क्या बागी विधायकों को किसी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, किसी पार्टी में मर्ज करना पड़ सकता है, और ऐसी सूरत में उनके पास सियासी विकल्प क्या हो सकते हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि शिवसेना विधायक दल के असली नेता वो ही हैं। उनके साथ सीएम उद्धव ठाकरे से ज्यादा शिवसेना के 39 विधायक हैं। ये बात अगर कोर्ट में मान ली जाती है तो शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट। लेकिन अगर शिंदे की दलील नहीं मानी जाती है तो उन्हें किसी पार्टी में शामिल होना पड़ सकता है। वो पक्ष कौन सा हो सकता है? एक चर्चा ये है कि शिंदे गुट को एमएनएस में जोड़ बीजेपी अपने प्लान को अमली जामा पहना सकती है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से दो बार फोन पर बात की है। हालांकि राज ठाकरे इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी सर्जरी हुई है। शिंदे ने राज से उनकी सेहत पूछी और ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। जिस हिंदुत्व को लेकर शिंदे उद्धव ठाकरे पर वार कर रहे हैं, उसी हिंदुत्व को लेकर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर हाल के महीनों में काफी हमलावर रहे हैं। राज ने पिछले कुछ समय से खुद को शिवसेना से ज्यादा हिंदुत्ववादी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो हनुमान चालीसा का मुद्दा हो या फिर लाउड स्पीकर का। शिवसेना ने तो राज ठाकरे पर यहाँ तक आरोप लगाया था कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। विचारधारा के स्तर पर भी एमएनएस इस समय शिंदे गुट के लिए काफी मुफीद रहेगी। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे दोनों ही बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से प्रभावित हैं और उनकी तरह ही कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तुमच्या तोंडून भाजपचं नाव निघतं, तुमच्या तोंडून प्रहार बच्चूकडून कोणत्या पक्षात ते जाऊ शकतील, आता एमआयएमचे तुम्ही बोलले, मनसे कधी निघत नाही, जावं ना त्याने कुठल्याही पक्षात जावं, मनसेला जर मुख्यमंत्री पद मिळणार असेल अशा पद्धतीनं तर ऐतिहासिक गोष्ट। एमएनएस का भले ही विधानसभा में एक विधायक है लेकिन पार्टी लगभग पूरे महाराष्ट्र में स्थापित है। ऐसे में किसी अन्य दल के साथ विलय की जगह शिंदे गुट के लिए एमएनएस सबसे सटीक पार्टी हो सकती है। वैसे एक चर्चा ये भी है कि क्या बीजेपी विकल्प बन सकती है। शिंदे गुट का पहले से ही कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ऐसे में बीजेपी एक विकल्प जरूर है लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी में विलय के लिए कई विधायक तैयार नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। आज तक ब्यूरो।